जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय न हुई। केहू कितनो दुलारी बाके माई न हुई। केहू वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है संडे। संडे अभी बज रहे हैं 11 और अभी अभी जो है हम फुर्सत पा रहे हैं सारे कामों से, मतलब शावर लेके और बच्चों को नहला के और उनके कपड़े धुल के सुखा के मशीन से और डाल दिए हैं, मतलब सूखने के लिए इतना सारा काम कर लिए हैं। कुछ किचन का भी काम हमने समेट के उसके बाद मैं गई थी शावर लेने और बच्चों को भी आज नहलाया क्योंकि संडे है। बच्चे अपने हाथ से नहाते हैं तो ज्यादा तो शैतानी करते हैं, जाके शावर खोल के बस खड़े हो जाते हैं और बस नहाते कम है खेलते ज्यादा हैं। और तो आज हमने दोनों बच्चों को पकड़ के नहलाया है और बच्चे अभी बाहर खेलने गए हुए हैं। तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज हम उनके लिए आलू की पूरी और सेवई बनाएं, तो क्योंकि आज संडे है, हर बच्चे चाहते हैं संडे का दिन, छुट्टी का दिन कुछ स्पेशल हो, तो वही बस आलू के पराठे और सेवई बनाएंगे और वही सब नाश्ता भी करेंगे, लंच भी वही रहेगा क्योंकि संडे के दिन सब देर से उठते हैं और देर से शाम को भी, शनिवार को भी देर से सोते हैं क्योंकि शाम को रात को मतलब गेम वगैरह खेलने लगते हैं सब, तो कहते हैं कि कल छुट्टी है तो आज कम मतलब देर से सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे, तो वही बस बच्चे सो के उठे और अपना दूध पिए। और ये भी ऑफिस गए हुए हैं, अभी नहीं है क्योंकि इनका आज भी ऑफिस खुला हुआ है संडे को, तो ये अपने ऑफिस जा चुके हैं और अगर उनको टाइम मिलेगा तो आएंगे खाना खाने, मतलब दोपहर का, अगर नहीं मिलेगा तो सीधे शाम को ही आएंगे, जब उनके उनको फुर्सत मिलेगी तब आ जाएंगे। तो हमने अभी दूध उबलने के लिए रख दिया है सेवैया को, सेवई को भून भी लिया है, तो अभी हमको जो है आलू भूनना है। हमने आटा भी गूंथ के लगा के रख दिया है और क्योंकि थोड़ी देर पहले आटा गूंथ के रख देते हैं तो वो मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है, तो उससे बहुत अच्छे पराठे फूले फूले से बनते हैं। और बर्तन भी धुल के रख दिया था सुबह का और हम भी तैयार हो चुके हैं, बस कंघी नहीं किए हैं क्योंकि बाल जब सूख जाते हैं तभी हम कंघी करते हैं। हमने कल जो है पैक लगाया था दूध और घी में मिक्स करके, बहुत ही अच्छा है, उससे बाल बहुत मुलायम हो गए हैं। और आज लगाएंगे मेहंदी, तो मेहंदी आज सुबह ही हमने घोल के रखी थी क्योंकि जब मेहंदी लगाना होता है तो उसको जो है 8 से 10 घंटे पहले भिगो देना चाहिए था, तो चाय पत्ती पानी रात में बनाए थे और उसको ढक के रख दिए थे, तो हमने सुबह जो है उससे मेहंदी घोल के रख दी है, तो शाम को लगाएंगे मेहंदी। तो फिर ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए फिर काम की तरफ चलते हैं और आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर में और आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हमने बच्चों के साथ क्या क्या करा है छुट्टी के दिन। और आज का दिन पूरा मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी, बच्चों के साथ खेलूंगी, बच्चों के साथ ही रहूंगी। और लेकिन बच्चे मेरे साथ कहाँ रहते हैं, बच्चे तो मुझे छोड़ के बाहर जा चुके हैं खेलने के लिए। तो चलिए फिर अभी बच्चे आएंगे खाना खाने के टाइम पे, तो बाहर ही खेल रहे हैं, घर के बाहर खेल रहे हैं, तो ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपना काम शुरू कर देते हैं क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, बस आधे घंटे का टाइम है क्योंकि 11:30 बजे बच्चों को जो है पराठा चाहिए। तो चलिए फिर बना लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद फिर से आप लोगों से बात करेंगे। तो हमने सेवैया जो भून के रखी थी उसको हम दूध में डाल देंगे और दूध को अभी भी और भी गाढ़ा करेंगे क्योंकि सेवैया डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे ताकि सेवैया और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट चढ़ा दी है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, हमने डाल दिया है जीरा और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च हम डाल दिए हैं और बारीक कट करके हमने हरी मिर्च डाली है। जीरा और हरी मिर्च को पकने के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे और जब तक ये हमारा पकेगा तब तक जो है हमारी सेवई भी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी भी फ्लेम ऑन है सेवई की तरफ, तो आलू में हम मसाला ऐड कर देंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दम आलू मसाला, और यहाँ पे हमने जो धनिया डाली है वो भुनी हुई धनिया पाउडर है, और ऐड कर देंगे नमक। और हमारे पास धनिया ख़त्म हो चुकी है क्योंकि धनिया भी है नहीं अवेलेबल, तो हम धनिया नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे।
हमारी सेवइयाँ बनके रेडी हो चुकी हैं और जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें हमने ड्राई फ्रूट काट के डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें गोला डाल दिया है, काजू बादाम डाल दिया है, किशमिश नहीं डाला है। ठंडी हो चुकी है, पराठा बनाना हमने शुरू कर दिया है। और आप जब भी पराठा बनाएं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, सबसे पहले आप अपने आटे पे ध्यान रखिए, जब जितना ही नरम और मुलायम आपका आटा रहेगा उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। और हम यहाँ पे पराठे को सेक लेंगे, आप सेकने के लिए चाहे रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, चाहे देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और पराठे देखिए कितने अच्छे से फूल चुके हैं। और जब हमारा आटा अच्छे से गूथा हुआ रहेगा और आटा गूथ के आप थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट मुलायम पराठे बनेंगे। चाहे आप इनको ठंडा होने के बाद भी खाएंगे तब भी ये आपके पराठे मुलायम और सॉफ्ट ही रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से ये खटर खटर की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काम तो दिन भर चलता रहता है। तो अभी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, तो हमने काफ़ी देर से सोच रही थी कि अब बंद हो जाए लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। तो हमने प्लेट ले, हम खाना बच्चों को दे देंगे क्योंकि बच्चे आ चुके हैं खेल के, और उनके लिए हमने प्लेट लगा दी है। एक प्लेट में केचप निकाल लिया क्योंकि बच्चे पराठे को केचप से ही खाते हैं और मुझे भी केचप से पराठे खाना पसंद है। तो गौरी और गोलू को खाना दे देते हैं, उसके बाद इनको भी खाना दे देते हैं, चुके हैं अब हम अपने लिए भी खाना निकाल लेते हैं। तो हमने एक प्लेट में केचप ले ली है जिसमें गौरी ने खाया था, तो उसी में केचप ले लेते हैं। और हमने सेवई ले ली है और एक पराठा ले लिया है, आप लोग भी खाना खा लीजिए और हम भी खा। यहाँ पे हम बैठ चुके हैं किचन में, ऊपर से फैन चल रहा है, आप लोग भी खा लीजिए सेवइयाँ और पराठे। और सेवई बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी और पराठे भी बहुत अच्छे बने थे। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है, हम भी खाना खा लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं कहीं घूमने जाना है कि नहीं। हमने सोचा था कि आज बच्चों को लोई के पार्क में जाएंगे लेकिन मौसम ख़राब है, उस वजह से जो है नहीं निकलना होगा। अगर मौसम साफ रहा तो हम जाएंगे बच्चों को लेके, अगर बारिश होगी तब नहीं जाएंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है गुलू? अभी 1:10 बाकी हैं और सबने खाना खा लिया है। गुलू बताएगा कैसा बना था पराठा? बहुत अच्छा। तो गुलू ने कितने पराठे खाए वो भी बता दो। गुलू ने 4 बता रहे हैं लेकिन 2 पराठे खाए हैं, 4 और 2 कटोरी सेवई खाई है गुलू ने, और 2 पराठे खाए हैं और चटनी खाई है, और हमने भी खाना खा लिया। और गौरी वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही है और गौरी ने 1 पराठे खाए, बस 1 कटोरी सेवई खाई और हमने 1 कटोरी सेवई खाई और 2 पराठे खाए। और बाहर हो रही है बारिश और यहाँ गोलू कर रहा है मस्ती और अभी पढ़ाई कर रहा था। और लाइट की बात करें तो लाइट कम से कम कटे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। और आप देख रहे हैं ऊपर हमने कपड़े जो है फैलाए हुए हैं क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पे आजकल रोज़ बारिश हो रही है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल तो धूप हो गया था तो फाइनली हमारा आटा जो है पिस के आ चुका है चक्की से, तो हमने उसको भर दिया था सुबह ही और हमने किचन साफ कर दिया, बर्तन भी धुल लिया, सब कुछ हमने नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए बाकी का हमने स्किप कर दिया है। लेकिन सारा काम फिनिश हो चुका है और फिर अब चलते हैं थोड़ी देर, या तो खेलेंगे बच्चों के साथ या तो फिर थोड़ी देर सो जाएंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर थोड़ी देर में और हम आप लोगों को बाहर दिखा देते हैं बाहर का काम कैसे चल रहा है, बाहर क्या क्या हुआ है। जो है गिट्टी फोड़ दी गई है प्लास्टर मतलब फर्श बनाने के लिए, और वहाँ से लेके यहाँ तक जो है फर्श बनेगी। और अभी लेंटर निकला हुआ नहीं है, अभी लेंटर लगा हुआ है। नीचे का जो है बांस मतलब बांस लगे हुए हैं 1-2 और बाकी सारे जो ढेर सारे बांस लगे हुए थे तो निकाल दिए गए हैं, बाकी गिट्टी फोड़ दी गई है प्लास्टर के लिए, तो नीचे फर्श बन जाएगी 1-2 दिन में, तो सब साफ सुथरा लगेगा और थोड़ा काम भी हल्का हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों से हम मिलेंगे थोड़ी देर में। तो इसके बाद हमने 5 बजे जो है बच्चों के लेके पार्क में चली गई थी क्योंकि बारिश जो है बंद हो चुकी थी, तो हमने कहा कि चलो थोड़ी देर घुमा देते हैं। और पार्क की बात करें तो पार्क ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पास में ही है, तो हमने बच्चों को लेके मैं पार्क में चली गई हूँ।
उसके बाद मैं घर आने लगी तो चाट और फुल्की लगी हुई थी, तो गौरी ने बोला मुझे फुल्की खानी है, तो मैं फुल्की खिलाने लगी उसको। और आप लोग यूनिवर्सिटी का गेट देख सकते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय का मेन गेट है यहाँ पे, और उसके बगल में ये चाट जो है लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा चाट यहाँ पे मिलता है और फुल्की भी बहुत अच्छी टेस्टी बनाता है। तो हम लोग यहाँ फुल्की खा ले घर आ चुके हैं और आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो खाने में हम सिर्फ दाल और चावल बनाएंगे क्योंकि बच्चे फुल्की और चाट खाए हुए हैं, आइसक्रीम खाए हुए हैं, ऊपर से जो है अभी मोमो और चाउमीन आया हुआ है उसको भी खाएंगे, तो ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो सब्जी जो है आ चुकी है और हम सब्जी को भी लगा दे देंगे और फ्रूट भी आया है तो दोनों को साथ में लगा देंगे। और हमारी दाल जो है बन चुकी है और इसको खाली करके इसमें चावल भरना है, तो हम चावल पहले सब्जी निकाल लेंगे उसके बाद चावल भरेंगे, क्योंकि अभी टाइम 8 ही बज रहे थे उस टाइम पे जब हम सब्जी खाली कर रहे थे। और सब्जी में क्या आया था, सब्जी में प्याज सबसे ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और सब्जी जो है आलू प्याज 2 किलो और आलू जो है 5 केजी आया था, हरी धनिया की पत्ती और हरी मिर्च, कद्दू, करेला और कुंदरू, परवल, शिमला मिर्च, यही सब सब्जी आई हुई थी, तो और भी आई थी। सारी सब्जियों को हम प्लास्टिक में ही रहने देते हैं, और चुकंदर आया था, चुकंदर को हम बाहर निकाल लेते हैं, खीरा भी आया था, तो सलाद वाली जो है सामान एक प्लास्टिक में कर देंगे, बाकी सब्जी का सामान एक प्लास्टिक में कर देंगे। और भिंडी भी आई हुई थी, तो सारी सब्जियों को हम जो है अच्छे से रख के फ्रिज। केला जो आया था तो केला ज़्यादा पका हुआ था, तो हमने उसके ऊपर डंडी पे सिल्वर पेपर लगा दिया है। आप सिल्वर पेपर लगा के केले को रख दीजिए तो जल्दी से पकता नहीं है, कम से कम 1 हफ्ते तक चलता है। और सेब को भी हम टोकरी में खाली कर लेंगे और सेब और केले को जो है यहीं नीचे ही रख देंगे फ्रिज। थे तो इन्होंने मोमो और चाउमीन भी लाया था बच्चों के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मुझे आज मोमो और चाउमीन खानी है, तो सबके लिए मोमो लगा देती हूँ। वैसे मोमो मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है लेकिन खा लेते हैं कभी कभार, तो जो है गोलू और गौरी को मोमो दे देंगे, गौरी बिना चटनी के मोमो खाती है। खाने के बाद सब ने जो है चाउमीन भी खाएंगे, और चाउमीन में हमने केचप मिक्स कर दिया है, मिक्स करके सबको दे देंगे पहले। और चाउमीन मुझे पसंद है लेकिन जो है मोमो मुझे नहीं पसंद है, तो मोमो हम नहीं खाते हैं, बच्चों को दे दिया था और इनको दे दिया था। तो चाउमीन जो है गोलू को अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं इसमें केचप अजीब सी जो है स्मेल आ रही थी, जो उसने केचप दिया था, जो हमने डाल दिया था, तो बच्चों ने ज़्यादा अच्छे से नहीं खाया बट खा लिया, और केचप की अजीब सी स्मेल आ रही थी, बच्चे बोल रहे थे और मुझे भी लग रहा था पता नहीं किस तरह से, और केचप तो खा लिया बट खाना नहीं खाया, क्योंकि दाल और चावल जो है किसी ने नहीं खाया, बस थोड़ा थोड़ा सबने खाया था, तो चावल और दाल बच गई थी जो है, ज़्यादा चावल बच गया था, तो हमने चावल और दाल को ऐसे ही कुकर में रख दिया था, और दाल को जो है वो जिसमें हम दाल रखते हैं उसमें रख दिया था। और गौरी को जो है टिफिन में खाना दे रहे हैं, क्योंकि गौरी का भी मन नहीं है खाने का। और हमने दाल यहाँ पे जो है ना तो फ्राई करी थी ना ही उसमें घी डाला था, क्योंकि इतना ज़्यादा सबने आज जंक फूड खाया था जो है दोपहर से शाम तक में, तो किसी का जो है मन नहीं था कि दाल फ्राई हो, तो हमने दाल नहीं फ्राई करी थी। और थोड़ा सा हमने चुकंदर और खीरा कट कर लिया था सबके लिए सलाद, तो जिसका मन करेगा वो ले लेगा। वैसे जो है पूड़ियाँ भी बची थी सुबह का, तो हमने एक एक पूड़ियाँ दे दी है सबको, सब मिला के खा लेंगे। और गोलू को हमने सबसे पहले दे दिया है खाना, और इनको दे के आते हैं खाना, फिर हम खाते हैं। तो यहाँ पे हम और गौरी दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, और लाइट अभी तक नहीं आई है, आज पूरा दिन लाइट आ रही थी जा रही थी, सबसे ज़्यादा लाइट कट हो रही थी, तो गौरी यहाँ पे खाना खा रही है और जो है थक सी गई है पार्क में जाने से, थकावट मुझे भी लग चुकी है, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था कुछ खाना बनाने का, तो हमने बर्तन जो है जिसमें सबने खाना खाया था बस वही धुला था, और बाकी कुकर और जिसमें हमने दाल रखा था दोनों को ऐसे ही रख दिया था। देखते हैं अगर सुबह तक बना रहेगा तो खाएंगे, नहीं तो उसको जो है गाय को दे देंगे। और आज हमने बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया, बच्चों के लिए ही सब कुछ किया, क्योंकि हर माँ जो है अपने बच्चों के लिए जो है यही सोचती है कि हमारा बच्चा खुश रहे, तो आज का पूरा दिन हमने अपने बच्चों के लिए जिया और पूरा दिन उनके साथ रहा।
तो इस तरह से आज जो है हमारा पूरा दिन बीत चुका है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप लोग वीडियो देखने आते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छा करने की और भी अच्छी वीडियो बनाने की। तो इस वीडियो में जो भी हमने आज किया अपने बच्चों के लिए किया, तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।